welcome again. And this video is going to be about a very interesting illustration on the idea, on the concept of pseudo force. Aaj ka ye video pseudo force ke concept se related hai. Isme hum pseudo force ke ek interesting application dekhenge, jisme ki aap dekh payenge ke pseudo force ke concept ko apply karne se kitna fayda ho sakta hai problem solving mein. To an interesting illustration on pseudo force where we will see how advantageous it could be to use the idea, to use the concept of pseudo force. So without any further delay, let me explain the problem to you. We have a smooth horizontal surface. This surface is frictionless. Let's not say smooth, it is frictionless. This surface, we have a wedge placed on it, and this wedge has this inclined surface of inclination theta. It has a mass capital M. A block of mass small m is placed on it, and there is no friction between any two surfaces. So aap ye dekh sakte hain, ye ek wedge hai, m mass ka, iska ye inclined surface ka angle theta hai, aur yahan ek block rakha gaya hai स्मॉल एम मास का, और कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है. अब इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अजीब सा चैलेंज है, एक बड़ी कठिनाई है, और वो कठिनाई ये है कि जब ये इनको रिलीज कर देंगे तो ये जो वेज है, कुछ समय के बाद ये वेज लेफ्ट की तरफ चल के आएगा और ये ब्लॉक नीचे चल के आएगा, इधर आ जाएगा. और क्योंकि वेज भी चल रहा है और ब्लॉक भी चल रहा है, तो ब्लॉक का अगर हम कोई एक पॉइंट देखें, ये वाला, तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन के अलोंग चल रहा है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज वंस द सिस्टम इज रिलीज्ड, वंस द ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज्ड, द वेज मूव्स टू द लेफ्ट, द ब्लॉक मूव्स डाउन अलोंग द स्लोप. And if we trace the motion of a point on the block, it appears to move along this line. And unfortunately for us, we are not aware of this angle here. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब ये इनकी motion हुई और ये block नीचे आया, तो जिस line के along ये block आ रहा है, उस line का हमें angle ही नहीं मालूम. इसका मतलब ये जो block है small m mass का, इसकी मोशन डायरेक्शन हमें मालूम नहीं है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ द मोशन डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एंगल. एंड बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द मोशन डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक, वी आर स्ट्रक, हम फंस गए हैं. ब्लॉक की मोशन डायरेक्शन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसके लिए फोर्सेस कैसे रिजॉल्व करें और कैसे इक्वेशन बनाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं है. सवाल में पूछा ये गया है कि ये जो वेज है, इसकी लेफ्ट की तरफ जो एक्सेलरेशन है, ये बोल देते हैं इसको, ये एक्सेलरेशन a1 कितनी है, ये वेज की लेफ्ट की तरफ जो एक्सेलरेशन है ये कितनी है, ये भी बता सकते हैं. ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये भी हमें बताना हो सकता है. तो ये दोनों ही चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से इस सवाल को करेंगे तो शायद ना कर पाए. इसे करने के लिए अब हम देखते हैं क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है. हम देखते हैं, वी गोइंग टू हैव अ लुक एज टू व्हाट जगलरी वी कैन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड द सिंपल बिट ऑफ जगलरी इज द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स. नाउ हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम अगेन. This is our horizontal surface, and that's your wedge. ये हमारा ये वेज है, वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा गया है. And we assume that the wedge has an acceleration a1 towards left. Now, what if we place our observer on the wedge. ये हमारे ऑब्जर्वर भैया हैं, इनको हमने वेज पे बिठा दिया है.
तो ऑब्जर्वर वेज पे अगर बैठ के देखेगा तो ये ब्लॉक हमें कैसे चलता हुआ दिखाई देगा। अगर ऑब्जर्वर वेज पे बैठ के देख रहा है तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू वेज जो है वो डाउन द इंक्लाइन ही दिखाई देगी। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें मालूम है। सो इफ द ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द वेज लुकिंग एट द ब्लॉक अपीयर्स टू मूव अलोंग द स्लोप ऑफ द वेज। सो नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक A2 with respect to the wedge, well, we don't know the magnitude, but we do know the direction. So, ये जो ब्लॉक है इसकी वेज के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम करना है, लेकिन डायरेक्शन हमें मालूम है क्योंकि वेज पर बैठ के देखेंगे तो ब्लॉक इस स्लोप के अलॉन्ग चलता दिखाई देगा। इसके ये एंगल जैसे ये थीटा है तो ये थीटा एंगल पर चलता हुआ दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल से। तो विद रेस्पेक्ट टू वेज हमें ब्लॉक की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मालूम है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें ये डायरेक्शन मालूम नहीं थी। सो वी डिड नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट वी डू नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द वेज, एंड दैट इज दिस ए टू अलोंग द स्लोप। सो रिमेंबर ए टू इज एक्सेलरेशन, A2 is the acceleration of block with respect to wedge, and A1 is the acceleration of wedge with respect to ground. Now, our next task is to draw the free body diagrams. Let's do it for the block first. So here's the block, and since we are observing the block in a reference frame fixed to the wedge, we need to have a pseudo force acting. So there will be a pseudo force towards right, ma1. Now why to the right? Because the reference frame is accelerated to the left with acceleration a1. जो ये रेफरेंस फ्रेम है, ये जो वेज है, ये लेफ्ट की तरफ A1 से एक्सेलरेटेड है, तो स्यूडो फोर्स राइट की तरफ होगी MA1। दूसरा इस पे है MG की फोर्स जो कि डाउनवर्ड है, और एक नॉर्मल फोर्स रहेगी ये इस डायरेक्शन में, और इस नॉर्मल फोर्स का अब देखिए ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस थीटा, तो ये एंगल है 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये एन है, तो इस एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एन साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस आ गई, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब हमने देख ली। वेज की भी बात हो जाए तो ये मैं वेज ड्रॉ करके दिखा देता हूं इधर, ये रहा वेज। इस वेज के ऊपर देखिए क्या क्या फोर्सेस हैं, लुक एट द वेज एंड सी व्हाट फोर्सेस एक्ट ऑन इट। कैपिटल एम जी, वी हैव नॉर्मल फोर्स एन प्राइम फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड की नॉर्मल फोर्स एन प्राइम है, वेज ने ब्लॉक पर एन साइन थीटा एन कॉस थीटा लगाए थे, तो ब्लॉक वेज के ऊपर उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा देगा, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा, दे आर फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द वेज बाय द ब्लॉक। नाउ द इक्वेशंस, दिस A2 is the acceleration of the block with respect to the wedge. Now this acceleration will have components in the horizontal and the vertical direction, and that is A2 cos theta and A2 sin theta. So for the block the equations will look like this, n sin theta equals m
n sine theta plus m a 1. That's the pseudo force to the right. And this equals the mass m times the acceleration observed in this reference frame. That's a 2 cos theta. That's your equation number 1. For the block in the vertical direction, we have mg minus n cos theta, and that equals m into the vertical component of acceleration a2 sine theta. That's your second equation. And the third equation is for the wedge, and that's n sine theta equal to m times the acceleration a1 of this wedge. So what we now have is three equations with three unknowns that can be solved. Now what's happened now here is hamare paas ab teen equation hai, teen unknowns hai, n a1 a2 n a1 a2 teen equation hai, teen unknown hai, inko bahut aasani se solve kiya ja sakta hai. लेकिन ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा. इसको मैं एक और तरीके से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, एंड दूसरे तरीके से इक्वेशंस की सॉल्विंग थोड़ी आसान हो जाएगी. उसमें हमें करना ये होगा कि ये जो ब्लॉक है इसके लिए जो मोशन की इक्वेशंस हैं स्लोप के अलोंग और स्लोप से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिखेंगे तो फोर्सेस को उसी हिसाब से रिजॉल्व किया जाएगा. मैं इनका सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ता हूं और थोड़े आसान तरीके से इक्वेशन बना के आपको दिखाता हूं कि और आसान इक्वेशंस कैसे जनरेट की जा सकती हैं और ये प्रॉब्लम काफी आसानी से कैसे सॉल्व की जा सकती है. एक तरीका इसको करने का मैंने आपको ये दिखाया. आई हैव शोन यू वन मेथड ऑफ डूइंग इट. लेट मी शो यू अनदर इजियर मेथड. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इज लेफ्ट टू यू. इरेजिंग दिस, लेट मी डेमोंस्ट्रेट the easier solution. इसका थोड़ा आसान वाला solution मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो block है इसका free body diagram हम दोबारा से बनाते हैं थोड़े अलग तरीके से. अब हम इसमें ये जो block है m mass है इसका, और इस डायरेक्शन में एम ए वन इस पे स्यूडो फोर्स है. ये एन है, इस डायरेक्शन में सो लुकिंग एट द फोर्सेस ऑन दिस ब्लॉक वी हैव एम ए वन एंड वी हैव एन. There will be an mg downward, and the components of mg will be mg sine theta and mg cos theta. This force ma1 will also have components. Now mind you, this angle here is theta, so ma1 has a component this way equal to ma1 cos theta and ma1 sin theta. These are all the forces that are acting on the block in the wedge frame. These are the forces acting on the wedge in the ground frame. Now this way when we generate the equations they will appear a lot easier. For the wedge we have n sin theta equal to m times a1. That's the same equation as in the previous method, but for the block the equations become easier. We now have n plus ma1 sin theta equal to mg cos theta, and the third equation will be for this direction, and that is mg sin theta plus ma1 cos theta equals ma2.
So again, three equations with three unknowns, but this time the equations are that much easier to solve. You know, for instance, if you substitute the value of n from equation 1 in equation 2, n is ma1 by sine theta, so ma1 by sine theta plus ma1 sine theta equals mg cos theta. तो अब आप देखेंगे कि जो इक्वेशंस हैं थोड़ी आसान बन गई हैं. पहली इक्वेशन से मैंने n की वैल्यू लेके और दूसरी इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट कर दी है ma1 by sin theta, और यहां से सीधे मैं a1 की वैल्यू आसानी से लिख सकता हूं. ये आ गया है mg sin theta, mg cos theta divided by m by sin theta plus ma1 sin theta. A1 यहां से हमें मिल जाता है mg cos theta sin theta by m plus small m sin square theta. तो ये A1 बड़े आसानी से आ गया है. इस तरीके से equations लिखने से काम थोड़ा आसान हो जाता है. तो जैसा ये मैं पहले भी कहता आया हूं कि acceleration की direction और उससे perpendicular direction में इक्वेशंस लिखने से सॉल्यूशन आसान होता है. ये बात भी यहाँ पे इलस्ट्रेट हो गई है. आई हैव बीन सेइंग दैट वी शुड राइट इक्वेशंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन. दैट टू हैज बीन हाइलाइटेड, दैट टू हैज बीन इलस्ट्रेटेड हियर इन दिस एग्जांपल. आल्सो वी हैव इलस्ट्रेटेड द यूटिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स. ये स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट का भी एक अच्छा इलस्ट्रेशन हो गया है. तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल इलस्ट्रेशन है. इसे समझने की कोशिश कीजिए. इस वीडियो को कई बार शायद आपको देखना पड़े क्योंकि इसमें जो आइडियाज़ हमने यूज़ किए हैं ये थोड़े आप लोगों के लिए नए हैं. तो इस वीडियो को आपको कई बार देखना पड़े शायद, और तब ये आपको अच्छी तरह समझ में आए. पर इसमें जो आइडियाज़ इस्तेमाल हुए हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं. सो इस चैनल के वीडियोस को आप देखते रहें, इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें. प्लीज़ कंटिन्यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव फन विद फिजिक्स एंड कीप योर फीडबैक अबाउट माई वीडियोस कमिंग. थैंक यू सो मच.